पुत्र प्रेम अगर त्याग दिए होते लोग तो आज बिहार, बिहार की राजनीति का नक्शा कुछ और होता। तो एक व्यक्ति परिवार के लिए राजनीति करता है और माननीय श्री नीतीश कुमार जी राज्य के डेवलपमेंट के लिए, सभी तबका, सभी समुदाय, सभी इलाका, सभी धर्म के लिए, आप खुद विपक्ष की भूमिका में, विपक्ष का सवाल का, विपक्ष के पास सवाल नीतीश कुमार अच्छा काम करते हैं। अरे विपक्ष के पास सवाले नहीं है, विपक्ष अपने परिवार के लिए राजनीति करता है, अपने परिवार के लिए वोट लेता है, वो परिवार के लिए उसका सत्ता है। बिहार की राजनीति में लालू यादव माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दोनों बेटों के बीच जो विवाद चल रहा है, इस पूरे प्रकरण में लालू यादव अब परेशान और बेबस नजर आ रहे हैं। बिहार में 2 सीटों में उपचुनाव होने वाला और उपचुनाव के पहले ही राजद में महाभारत छिड़ चुकी है। लगातार तेज प्रताप यादव तेजस्वी पर निशाना साध रहे हैं और इस महाभारत में कहीं ना कहीं फायदा NDO को होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल वलियावी साहब हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से राजद में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इस वर्चस्व की लड़ाई में आप लोगों को फायदा हो रहा है। सर, जिस प्रकार से उपचुनाव होने वाले 2 सीटों को लेके, कहीं ना कहीं आप लोग तो खुश होंगे क्योंकि आप लोग का रास्ता साफ हो गया। हम लोग नाराज कहाँ थे और हम लोग भयभीत कहाँ? टक्कर तो करा होता ना, तो दोनों भाई तो भीड़ रहे। अरे काहे का टक्कर? पुत्र प्रेम अगर त्याग दिए होते लोग तो आज बिहार, बिहार की राजनीति का नक्शा कुछ और होता। तो यहाँ तो 2 धुरी है। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के विकास और बिहारियों के सम्मान से और उधर परिवार से, तो एक व्यक्ति परिवार के लिए राजनीति करता है और माननीय श्री नीतीश कुमार जी राज्य के डेवलपमेंट के लिए, सभी तबका, सभी समुदाय, सभी इलाका, सभी धर्म के लिए, तो दोनों में फर्क है ना। हम नहीं बोल रहे हैं, आप खुद बोले हैं 2015 में कैसे प्रेम हो गया था नीतीश कुमार को, लालू जी के साथ चुनाव लड़ लिए थे आप लोग। जब किसी के साथ बगावत होगा, सिद्धांत की लड़ाई होगा, तो कभी नहीं मिलेंगे। 2015 में आप लोगों ने मिला था ना, इबतिया उन्हीं से पूछ लीजिए ना, जब 24 सीट उनको आई थी। नेता प्रतिपक्ष में बैठने का डिजिट नहीं बन रहा था, तो ये बात तो उनसे पूछना चाहिए था ना। आप लोग भी तो जाके मिल लिए थे। नहीं नहीं, जनता को भ्रमित करने का काम तो आप लोग भी किए। जनता को भ्रमित करने का काम जिन लोगों ने किया है, जनता अब उनको समझ गई है, इसलिए कि जनता को और जनता के उन व्यक्तियों को, उन परिवारों को जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा CO बनेगा, BDO बनेगा, DSP बनेगा, दरोगा बनेगा, या हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी की, NDA की सरकार की ये देन है। निकालिए ना रिजल्ट। ऐसे ऐसे गरीबों के बच्चे स्टेट सर्विस कमीशन क्वालिफाई किए हैं, ये किसके राज में? माननीय श्री नीतीश कुमार जी के राज में, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के राज में। शुभम जो UPSC टॉप किया, शुभम टॉप किया, UPSC में टॉप किया, बिहार का नाम राष्ट्र में रोशन किया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गया। लगता है कि उगते सूरज को सब कोई सलाम करता है, अगर यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ठीक रहती तो शुभम यहीं पढ़ता, बाहर नहीं जाता। आज भी शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, तब यहाँ के छात्र जो है वो पलायन करते हैं। शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। शुभम के अलावा आदर्श जो क्वालिफाई किए हैं वो सब बाहर ही गए हैं क्या? भुजा बेचने वाले का, कपड़ा सिलने वाले का बेटा, सब जो अफसर बनाया सब बाहर जाके पढ़ा है क्या? आपको नहीं लगता है कि कहां से आप ला रहे हैं ये शुभम? कहां से इंपोर्ट करके ला रहे हैं आप ही बता दीजिए, हम कहां से इंपोर्ट करके ला रहे हैं? जो सवाल जनता का है, जो विपक्ष का है, वो मैं सवाल कर रहा हूँ।
आप खुद विपक्ष की भूमिका में, विपक्ष का सवाल का, विपक्ष के पास सवाल का। नीतीश कुमार अच्छा काम करते हैं। अरे विपक्ष के पास सवाले नहीं है, विपक्ष अपने परिवार के लिए राजनीति करता है, अपने परिवार के लिए वोट लेता है, वो परिवार के लिए उसका सत्ता है। नहीं नीतीश कुमार ऐसा नहीं, अगर सड़क की बात कर ली जाए तो बिहार में जितना सड़क पे काम हुआ है अभी तक किसी मुख्यमंत्री में नहीं काम किया। नीतीश कुमार जब अच्छा काम करते हैं तो उसको हम लोग बताने का भी काम करते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जिस प्रकार से राजद और कांग्रेस में जो जंग है वो छिड़ चुकी है, दोनों अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। आखिर कांग्रेस को मान सम्मान इज्जत के साथ, जब महागठबंधन के नेता थे तो हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने हिस्सेदारी दी थी, 40 सीट दिया था जिसमें से 27 जीत कर आ गए थे, वो देन थी माननीय श्री नीतीश कुमार जी की, जो 40 मिला 27 जीत के आए। लेकिन कांग्रेस ने जिनके साथ गलबहिया खेला उसने कांग्रेस की नेशनल छवि को कहां ले जाके पटका है। तो जो अपने एलायंस पार्टनर को शेयर न दे, कन्हैया आ गए कांग्रेस में, अब कौन आया कौन गया। जनता दल यू के लिए कोई कहीं खतरनाक नहीं है, सत्ता यहाँ सौदागरी नहीं है, सत्ता यहाँ सेवा है, विकास है। इसलिए उसको भय लगता है जो परिवार को खड़ा किया हो, उसको भय नहीं लगता जो राज को खड़ा किया हो। आखिरी सवाल है सर, तेज प्रताप यादव को स्टार प्रचारक की लिस्ट से गायब कर दिया गया, तेज प्रताप ने ट्वीट भी किया कि हमारी माता हमारी बहन का तो नाम दे दिया जाता है, तो आखिर क्या कारण है कि मतलब जो राजद से तेजस्वी यादव लगातार अनदेखी कर रहे हैं तेज प्रताप की, लगता है तेज प्रताप में काबिलियत है। अब ऐसा है ना कि किसी के पारिवारिक मामलों में हम क्यों हस्तक्षेप करें। एक शब्द पहले ही कह दिया ना कि वो परिवार का इशू है। जीत रहे हैं आप लोग, जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और जनता जिस मान सम्मान के साथ JDU जनता दल यूनाइटेड के लोगों के साथ पेश आ रही है, जिस तरह से गांव में सम्मान मिल रहा है, वो रिजल्ट। यूपी चुनाव लड़ रहे हैं सर आप लोग? अब यूपी का चुनाव अभी तो बिहार में, बिहार फाइनल करो ना। यूपी नीतीश कुमार का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है, नीतीश कुमार जी के चेहरे पे उनका जो शराबबंदी है लोग उसको फॉलो करते हैं। भैया खबर रहने दो ना, इसको बिरयानी क्यों बना रहे, उसके लिए यूपी पर इत्मीनान से आना, एक आध घंटे का टाइम लेकर लाइव कराना। एक आखिरी सवाल है, नीति आयोग की कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरह से बिहार में चौपट है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछा गया तो कहा, वो बोलते हैं हम नहीं जानते, जब आप लोग अच्छा काम करते हैं तो तारीफ होता है, जब विफलता होती है इस पर पूछा जाता है सीधे जवाब आ जाता नहीं जानते। नीति आयोग इससे पहले भी जो रिपोर्ट दिया था तो कम से कम भवन और बने हुए मकान भी गिन लेना चाहिए था, गांव में जहां छप्पर था वहां छत है वो भी देख लेना चाहिए था, जहां कुछ नहीं था वहां बिजली और सड़क पहुंच गई है वो भी देख लेना चाहिए था, जहां पानी का क्राइसिस नहीं पानी ही नहीं था वहां स्वच्छ पानी पहुंच गया, ये सब भी देख लेना चाहिए था। और जिस राज्य को बाढ़ और सुखाड़ दोनों की मार झेलनी पड़ती हो और आबादी 12 करोड़ प्लस हो, वैसी आबादी और कम साधन में जो बिहार का ग्रोथ रेट है उन विकसित राज्यों के मुकाबले में, जो पहले से विकसित है, जो पहले से डेवलप है, जो पहले से आर्थिक रूप से कम्युनिकेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर से सोर्स ऑफ इनकम से जो पहले ही से सुदृढ़ है, बिहार के पास क्या था अभी? क्या है अभी? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नीतीश कुमार जी ने लड़ाई लड़ा था, आप लोग NDA के साथ है, आखिर BJP क्यों नहीं दे रही है वो लड़ाई? न रुकी है न रुकेगी, न थमी है न थमेगी।
तो दोस्ती है तो दे। अरे समय का इंतजार कीजिए ना, मिलेगा। ये बात तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी किया था कि इंटाइटल ये मिलना चाहिए। देखिए ये थे गुलाम रसूल बलियावी साहब, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में विकास है और जिस प्रकार से दो सीटों में जो उपचुनाव होने वाले, जीत एनडीए की होगी। रोहित नटराज, पटना।